सो गाइस, कल मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो कल यार मैं नॉर्मली ऐसे रोड से आ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक क्राउड में किसी एक बंदे को लोग बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। दैट टाइम यार मैं देख के ये फील किया, हमारे अदनान भाई का दर्द क्या रहा होगा उस टाइम, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बोला बुरा निशाना, मैं गलत था उस टाइम पे, सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली मैं घर तक का ही बर्दाश्त करूंगा। कोई मुझे गाली देगा लेकिन दूसरों की माँ को बिना वजह गाली दिए पड़े। पदनान भाई इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो के ऐसा मत किया करो। हाँ वो अलग बात है कि 10.5 मिलियन तुम्हारे फेक फॉलोवर है, लेकिन फिर भी पदनान भाई इतना जहरीला तो दो मुंह वाला सांप भी नहीं होता जितने जहरीले तुम हो। बात तो सही है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो, चाहे की बस्ती में तुम हो गए मस्ती में, क्यों नहीं। हाँ तो आज हम लोग रोस्ट करने वाले हैं पदनान 0007 का। जितने जीरो इसके नाम में है उतने ही इसके ब्रेन में है। इसका आईक्यू लेवल बताता है इसका नाम। देखो हमारे पदनान दीदी के इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन फॉलोवर है, लेकिन इनके एवरेज व्यू पकड़ के चलो तो 4 लाख है। तो पदनान दीदी को चाहिए था कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी से पदनान दीदी को रीच तो मिलेगी ही, पॉजिटिव मिले निगेटिव मिले कम से कम इनके वीडियोज पे व्यूज तो जाने लगेंगे यार। तो हमारे पदनान दीदी ने खेला माइंड गेम कि चलो कुछ नहीं तो कॉन्ट्रोवर्सी ही कर लेते हैं। तो फिर हमारी पदनान दीदी 7वीं में 7 बार फेल वाली अपनी आईक्यू लेवल दिखाती है। पदनान दीदी ने कैमरे के सामने नामर्द बनते हो ऐसा कुछ बोल रखा था, और वैसे कैमरे के सामने नामर्द बनने वाली बात कौन बोल रहा है, जिनकी जिंदगी 420 फिल्टर और 1.5 किलो मेकअप से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। और हाँ कैमरे के सामने नामर्द वाले से भाई एक बात याद आया, तेरी हर रील वीडियो एक्शन लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी इसी पे होती है, लेकिन रियल लाइफ में पदनान दीदी आपको अपनी क्वालिटीज ऐसे पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए थी, गलत बात है। और पदनान भाई नॉर्मली नाम रख ले यार, नाम के पीछे 7 जोड़ लेने से तुझे रोनाल्डो जितनी इज्जत थोड़ी ना मिल जाएगी। तो हमारे पदनान दीदी को कंट्रोवर्सी खेलना है भाई। कुछ टाइम पहले गमछा किंग ने भी कंट्रोवर्सी खेला था, बेचारे ने पूरा ठीक ठॉक बंद करा दिया। पहले तो वो 200 रुपए में बिक भी जाता था, अब तो भाई कोई 2 रुपए में भी नहीं पूछ रहा है। नहीं 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 यार, तुम पदनान भाई को इतने हल्के में कैसे ले सकते हो, इतने बड़े भाई इन्फ्लुएंसर हैं 11 मिलियन। हाँ वो अलग बात है भाई कि 11 मिलियन फॉलोवर में से 10.5 मिलियन फॉलोवर फेक है, सिर्फ 500K रियल है। भी यार बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि भाई कहीं भी जाते हैं पूरी क्राउड लग जाती है इनको मारने के लिए। खैर ये सब बात हटाओ, हमारे पदनान भाई के बारे में तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ही बड़े एक्शन किंग हैं भाई। इनकी हर दूसरी वीडियो एक्शन मार धाड़ इसी पर होती है। अरे अरे ये वाली क्लिप नहीं यार, बार बार तुम लोग इसी पर चले जाते हो। नहीं नहीं ये वाली क्लिप नहीं। हाँ कैमरे के सामने हम दूसरों को ना मर्द बोलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में हम मार खाएंगे और रियल लाइफ में मारेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो यार, ये सब भाई का स्ट्रगल है। टिकटॉक करते तो भाई ने बहुत स्ट्रगल किया है, आज के टाइम पे तुम देखो भाई के 11 मिलियन फॉलोवर है। हाँ वो अलग बात है 10.5 मिलियन फेक है, लेकिन नहीं भाई आज के टाइम पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। हाँ वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा धंधा चल रहा है इसलिए भाई ने सिर्फ फॉलोवर्स खरीदे हैं, अभी व्यूज नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए वीडियोस पे एवरेज व्यू 4 लाख ही जाते हैं। बस एक बार गाड़ियों से ट्यूबलेस टायर हट जाने दो, तुम देखना भाई के बार तुम 100 मिलियन व्यूज जाएंगे वीडियोस पे, तुम समझ रहे हो। आई यूज टू ब्ला 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 ब्ला। हाँ तो इन शॉर्ट भाई ये कहना चाहते हैं कि अब वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। जब वो बचपन में छोटे हुआ करते थे तो गाड़ियों को देखकर सपना आंखों में बसाया करते थे कि कभी ये हमारा भी सपना पूरा होगा या नहीं, ऐसा ही कुछ ठीक है। आज के टाइम पे हमारी पदनान दीदी बहुत सक्सेसफुल हो गई है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है ना कि गाड़ी का नंबर छुपाना पड़ रहा है कहीं ऑडियंस को पता ना लग जाए। है फोर्थ ओनर गाड़ी है, इससे महंगी तो स्विफ्ट पड़ी है यार मेरे घर में। भाई मत कर यार, मत कर, बहुत गंदा लग रहा है, तू शेख नहीं टट्टी सेक लग रहा है। हम लोग समझते हैं यार कि तुम फैशन इन्फ्लुएंसर हो भाई, लेकिन मम्मी की नाइटी पहन के कौन सा तू फैशन इन्फ्लुएंसर बन रहा है यार। हमारे पदनान भाई इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं कि इनकी कहानियां भाई दीवालों पे गोल्डन वर्ड से लिखी जानी चाहिए। यार तुम कितने बड़े इन्फ्लुएंसर, ये तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें कितना प्यार देती है इससे पता चलता है। और हमारे अदनान भाई को प्यार, आए हाय हाय भाई, इतना प्यार मिलता है कि प्यार के समुंदर में डूब चुके हैं। हाँ चलो पंचर निकाल, नहीं 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 भाई ऐसा नहीं बोलते, देखो हाँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसे बोलो अदनान चल पंचर निकाल। पदनान भाई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर रखे हो, लोगों को कमेंट में तारीफ मिलती है, तुम्हें गालियां मिल रही है, देख रहे हो कितना यूनिकनेस है, सबसे अलग भाई।
आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने। कोई भी पदनान भाई की नामर्द वाली लाइन नहीं दोहराएगा। नहीं नहीं नहीं, ये पदनान भाई के 2 साल पहले की वीडियो है। और मैं मानता हूँ यार कि जब किसी की भी स्टार्टिंग होती है, हर कोई स्टार्टिंग में तो थोड़ी गलतियां करता है क्योंकि सीख रहा होता है। लेकिन पदनान भाई, नाउ यू आर ए इन्फ्लुएंसर, मोर देन 10.5 मिलियन फेक फॉलोअर। नहीं नहीं नहीं, 500K रियल है, उसके बारे में बोलोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पदनान भाई पे ये गलत इल्जाम नहीं, 500K इनके रियल है, 10.5 मिलियन फेक है, वो डजंट मैटर। ठीक है, देख रहे हो इन 2 सालों में भाई ने अपने ऊपर कितना ज्यादा काम किया है। हाँ भाई, रात रात भर ओयो में जाकर भाई ने बहुत दिहाड़ी मजदूरी कर पैसा जुटा जुटा के सप्लीमेंट कैसे कैसे खरीद के अपनी बॉडी बनाई। लेकिन भाई थोड़े पैसे कम पड़ गए थे बॉर्नविटा के लिए, तभी पदनान दीदी का शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन मानसिक विकास दिल से बुरा लग रहा है भाई। ऐसी गरीबी किसी को ना दे। तो हमारे पदनान भाई का इन्फ्लुएंसिंग में करियर उतना ही है जितना धीरू मोंची का रैपिंग में। तो भाई ने सोचा क्यों ना एक बैकअप प्लान बनाया जाए। पदनान भाई ने सोचा कि जैसे तैसे लोगों के फार्म हाउस जाते जाते एक 4 हैंड गाड़ी मिल गई, लेकिन इसके पेट्रोल का कहां से इंतजाम किया जाए। तो भाई ने यूट्यूब चैनल खोल लिया। हाय गाइस, मैं हूं अदनान शेख। ओ भाई, तेरे से ना हो पाएगा यार, रहने दे, तुम तेरे बस की नहीं है। नहीं, यही होता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे 10.5 मिलियन फेक फॉलोवर हैं, तो तुम्हें बताना ही ना पड़ेगा, हेलो गाइस, आई एम अदनान शेख। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पर हाँ, कबड्डी जरूर खेल रहा हूँ। रुक जा भाई, रुक जा। पता नहीं क्या कर रहा हूँ पर कबड्डी जरूर खेल रहा हूँ। तुम इस लाइन के सेंस को समझो, पता नहीं क्या कर रहा हूँ पर कबड्डी खेल रहा हूँ। अरे रैंड पदनान भाई, तुम नहीं, तेरे बस की नहीं है यार। नहीं यार, इसके IQ को भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इसके नाम से ही पता लग रहा है 0-0-0। भाई प्लीज यार, प्लीज मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है, जैसे तैसे करके तू बॉर्नविटा अफोर्ड कर, बहुत जरूरी है तेरे लिए। अगर तू नहीं कर पा रहा है तो भाई तू चैरिटी करवा ले यार, हम यूट्यूबर्स के पास है इतने तो है भाई, तेरे लिए बॉर्नविटा अरेंज करवा देंगे। बात तो सही है। और इसके यूट्यूब पे मैंने 6 मिनट की वीडियो देखी, 6 मिनट में इसने भाई 5 मिनट 55 सेकंड में तो इसने यही कर रखा था। हाँ भाई, हमें पता है ऐसी बॉडी बनाने के लिए तूने बहुत मेहनत की है। बेचारे ने सप्लीमेंट खरीदने के लिए लोगों की रातों रातों की फैंटेसी पूरी की है यार, तुम समझ रहे हो, तो क्यों शो ऑफ न करे भाई, मेहनत तुम देखो यार। और ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मैंने सोचा था इसका यूट्यूब चैनल भाई क्या ही होगा। अब मैंने जब इसका ये वाला वीडियो देखा ना, आए हाय हाय। Hey guys, this is Adnan Sheikh Ulf Eddie07 with a new video. इतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी, वाह 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 भाई, तुम्हारे 10.5 मिलियन फेक फॉलोवर हैं भाई, तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और तुम देख रहे हो यूट्यूब वीडियो में भी फिल्टर मार के अपलोड कर रहा है, यही तो असली जिंदगी है ये लोगों की भाई, तुम देख रहे हो बिना फिल्टर और मेकअप की इनकी जिंदगी वैसे ही है जैसे हमारी बिना दोनों किडनियां की। जितना सक्सेसफुल रीच भैया की इंस्टाग्राम पे है, उतने ही सक्सेसफुल रीच इनकी यूट्यूब पे है। नहीं, ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर और वीडियोस पे व्यूज 15K 17K, हाय 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 भाई, इससे ज्यादा तो 50K वालों के आ जाते हैं। तो अब बात करेंगे दूसरे नमूने के बारे में, अब्दुल। हाँ, वो इसका बिजनेस पार्टनर है, भाई है, दोस्त है, वॉट एवर यार, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन छपरी है इतना समझ लो। बेटा हमसे तू बच के बड़ी मेरी याद। भाई सही बता रहा हूँ, सुबह फ्लश करने के बाद मैंने सबसे गंदी चीज देखी, नहीं सॉरी, मेरे सुबह फ्लश करने से पहले नहीं, उस नहीं नहीं ये ज्यादा गंदा है यार, वो ज्यादा गंदा नहीं था। नहीं भाई, तुम 1500 फिल्टर मारने के बाद ऐसे दिख रहे हो यार, तुम रियलिटी में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ यार, मतलब तुम सोच रहे हो, मैं कुछ अज्यूम भी नहीं कर पा रहा हूँ कि रियलिटी में बंदा कैसा दिखता होगा। नहीं भाई, इसे हॉरर मूवी में काम मिल जाएगा बिना मेकअप का। हाँ तो भाई, ये पदनान भाई के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ एक चीज़ बताना मैं तुम्हें भूल गया था कि हाँ, इसको ट्यूबलेस टायर का भी काम आता है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ हिम। हाँ तो पदनान भाई के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ ये एक रैपर भी है। मुझे लगता था कि धीरू मोंचिक से घटिया रैपिंग मैं अपने इस जीवन में कभी देख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन I was wrong यार। दिया शॉट तेरा बाप सीधा टकले पे सबके। क्या लिरिक्स है ये, तेरा बाप शॉट दे सबके टकले पे। भाई जॉनी जेन से प्राइवेट मीटिंग चाह रहा है, समझ रहे हो, नवाबी सॉन्ग यार। देखो स्क्रिप्ट और लंबी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर है और कॉन्फिडेंस और थोड़ा एनर्जी नहीं आ पा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं फिल्टर मार के मेरे अंदर अदनान हो गया यार, मुझे पदनान भाई थोड़ी ना हूँ। हाँ तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा फीवर है तो इस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और इंस्टा का तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे सजेस्ट कर सकते हो
ये पदनान भैया जैसे जैसे जो भी बाबा सी रहे हैं उनको तुम बताओगे तो मैं तुम्हें रोस्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।